खमा खड़ी साहब, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शो करने जा रही हूँ मेरा ज्वेलरी कलेक्शन। और इस कलेक्शन को शो करने से पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं कुछ लोगों को देख के ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही कम ज्वेलरी है, और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि वाई शी इज शोइंग ऑफ। तो प्लीज़ विदाउट एनी जजमेंट लेट स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें किसी भी तरीके का जजमेंट मैं नहीं चाहती हूँ, तो बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको जो शो करने जा रही हूँ वो है यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गोल्ड ज्वेलरी। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम गोल्ड ज्वेलरी रखी हुई है, जैसे कि ये नेक पीस मैंने रखा है, साथ में मैचिंग सेट है, साथ ही में ये दूसरा एक मंगलसूत्र टाइप नेक पीस, एक रिंग एंड मेरे रखड़ी शीशफुल, यही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं फॉर लाइक सम फैमिली फंक्शंस। एंड देन उसके बाद में है ये मेरा आर्टिफिशियल नथों का कलेक्शन, बिकॉज मेरे को वीडियोस के अंदर पहननी होती है अलग अलग तरीके की नथ, इसलिए मैंने काफ़ी सारी जो है नथें यहाँ पे इकट्ठी कर रखी हैं। और मुझे काफ़ी जो है शौक़ भी है नथ कलेक्ट करने का और पहनने का भी। इनमें से कई नथ जो है मैं पहन भी नहीं पाई हूँ बिकॉज़ वो आ नहीं रही है मुझको। एंड ये सभी जो नथें हैं आपको मिल जाएंगी इजीली महारानी बाय दीपिका राठौड़ के पेज के ऊपर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। यहाँ पे कुछ बेसर है मेरे पास में, एंड देन उसके बाद में कुछ रिंग्स मैंने इकट्ठी करी, ये भी आर्टिफिशियल ही हैं। और ये हैं कुछ हेड पीसेस, हेड ऑर्नामेंट्स आप कह सकते हैं, शीशफुल है तीन एंड एक रखड़ी है जिसकी मुझे पुवाई करवानी है बट मैं करवा नहीं पा रही हूँ। एंड देन उसके बाद में ये है ये छोटा सा प्यारा सा नेक पीस जो कि अगेन आपको महारानी वाले पेज पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये है एक आर्ड कुंदन की आर्टिफिशियल आर्ड, एंड इसके साथ में है ये मैचिंग इयररिंग्स। एंड आई यूजुअली वेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी फॉर वीडियोस बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बाय गोल्ड ज्वेलरी एवरी टाइम आई मेक अ वीडियो। एंड देन आई हैव दिस नेक पीस दैट आई रियली लाइक बिकॉज इससे पूरा गला जो है भर जाता है एंड इतना भारी भी नहीं फील होता है ये, तो इट्स बेस्ट फॉर लाइक यूजली मैं इसी को पहनती हूँ। एंड देन आता है ये चिक सेट जो कि है बहुत ही प्यारा सा है, इसके अंदर बहुत प्यारे से जो है डायमंड का थोड़ा मतलब वर्क सा हो रखा है, एंड साथ में है इसके साथ में मैचिंग इयररिंग्स। एंड देन उसके बाद में ये जो सेट है मैंने अमेजोन से बाय किया था। अब इनके इयररिंग्स जो है ना, दोनों के एक एक इयररिंग्स कहीं और थे जो मुझे बाद में मिले, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई। एंड ये है बहुत प्यारा सा जो चिक्स टाइप का सेट है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद में, एंड ये भी आपको मिल जाएगा महारानी वाले पेज के ऊपर। और जो मेरी गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन है वो ऑलरेडी अप हो गया है मेरे पेज पर कब का ही, हाउ टू वेयर राजपूत ज्वेलरी, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड ये जो है बहुत प्यारा सा सेट है, इसकी जो इतनी प्यारी घड़ाई है कि लगता नहीं है कि आर्टिफिशियल है, एंड बहुत ही स्वीट है, थोड़ा सा आर्ट जैसा सा इसके अंदर वर्क है बट ये बहुत स्मॉल छोटा है। एंड देन उसके बाद में मैंने ये बाय किया था अमेजोन से, पूरा सेट था एंड बहुत ही सस्ता था, आई थिंक 600-700 रुपये के अंदर पूरा सेट आ गया था ये, एंड बहुत अच्छा है ये, वेयरेबल है, मतलब आई रियली लाइक दिस क्योंकि इतने कम बजट के अंदर इतना सब कुछ इसमें मिला है, पूरा रानी हार है, देन एक चिक है, नेकलेस है और एक मांग टीका भी है। देन यहाँ पे मैंने ये बहुत ही पुरानी डिज़ाइन की जो है बाजू रखे हुए हैं, वाई बिकॉज यहाँ पे मुझे सिर्फ डांस वगैरह के लिए कुछ ऐसे पहनने होते हैं ये, तो मैंने इसके अंदर कुछ डिज़ाइन वगैरह में इन्वेस्ट किया नहीं है, ऐसे नॉर्मली मुझे चाहिए थे दैट्स वाई। एंड यहाँ पे मेरे पास में छोटे छोटे दो मंगलसूत्र और ये इसके साथ में मैचिंग इयररिंग्स हैं, ये मैंने लिया था GT से आई थिंक ये दोनों ही। एंड यहाँ पर ये दूसरा है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। एंड देन उसके बाद में मैं बात कर लेते हैं मेरी पायल के कलेक्शन का, ये है ओरिजिनल सिल्वर कलेक्शन जो कि यहाँ पे मैंने कुछ रखी हुई हैं, ये है पगफुल और ये मेरे को गिफ्टेड थी मेरी शादी के अंदर, एंड आई रियली वांटेड टू वियर दैम बट कोई ओकेजन ही नहीं मिल रहा है कब मैं इनको पहनूँ। और ये भी कुछ एक दो पायल मैंने यहाँ पर रखी हुई है फॉर सम फैमिली फंक्शंस अगेन, एंड इनको मैं यूजुअली नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है पहनना, मुझे बहुत भारी फील होता है, बट व्हाट आई रियली लाइक इज़ टू बाय एंड कलेक्ट देम, तो दैट्स व्हाट आई डू। एंड देन उसके बाद में आती है मेरी बिछिया की कलेक्शन, आई रियली लाइक टू वेयर बिछिया, दिस इज़ द ओनली ज्वेलरी आई ऑलवेज वेयर, तो मेरे पास काफ़ी प्यारा सा कलेक्शन है। ये सारी बिछिया मैंने ली थी GT से ही, एक शॉप है जिसका अगेन नाम मुझे याद नहीं है बट अगर मुझे मिलता है एड्रेस तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन जो है मिल जाता है बिछिया वगैरह का, तो आई रियली लाइक टू गो देयर एंड बाय ऑल दिस स्टफ़। देन उसके बाद में बात आती है मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन की जो कि है सिल्वर ज्वेलरी, एंड आई रियली लाइक टू कलेक्ट अगेन सिल्वर ज्वेलरी बट यहाँ पर मैं नहीं पहन पाती हूँ, बट अगेन आई वेयर इन माई वीडियोज एंड आई रियली लाइक टू कलेक्ट दैम। बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी अलग अलग डिज़ाइंस की जो है यहाँ पे मैंने ज्वेलरी कलेक्ट कर रखी हैं, एंड यहाँ पे एक देख सकते हैं कुछ अमेजोन की पीसेस हैं, कुछ गौरा टाट जो जयपुर के अंदर मॉल है GT वहाँ के पीस।
तो अगर आपको भी मेरी तरह जो है सिल्वर ज्वेलरी का शौक है ना, तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी ही नहीं है, इसके अंदर मुझे कुछ ब्रास टाइप की जो कलेक्शन होता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे छोटी छोटी झुमकियों का और ये जो चांद बालियाँ हैं और ये ऑरेंज झुमकियाँ हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे इनको इकट्ठे करना और पहनना भी। एंड ऑल्सो मेरे को बेसर जो होते हैं सिल्वर बेसर, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने ले रखे हैं, बट अगेन मैं नहीं पहन पाई हूँ कभी भी। एंड एक आधी रिंग, रिंग का मुझे कुछ खास शौक नहीं है तो मैंने ये ले रखे हैं। एंड छोटी छोटी झुमकियाँ, ये लोटस वाले जो ईयरिंग्स हैं ये बहुत मुझे पसंद है, और बड़े लोटस वाले भी, बट अगेन आई डोंट नो हाउ टू वेयर देम, हाउ टू स्टाइल देम, एंड बट आई विल वेयर इट सम डे। सो दैट्स इट, माई कलेक्शन ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। एंड उसके बाद में मैंने कुछ कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है ईयरिंग्स का, जो कि मीनाकारी ईयरिंग है, ये मैंने एक साथ ही खरीदे थे सारी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी सारी डिज़ाइंस, बट इनको सिर्फ इनके मैचिंग ड्रेसेस जो होते हैं उन्हीं के साथ पहन सकते, क्योंकि ये स्पेशली कुछ कलर्स के अंदर ही हैं, तो इनको मुझे वेट करना होता है कि कभी मैं कुछ ऐसा ड्रेस पहनूँ तो उसे मैच करके मैं पहन सकूँ। बट इनको मुझे बहुत पसंद है ये जो भी डिज़ाइंस है, एंड आई होप कि इनको मैं जल्दी ही पहन पाऊँ। एंड देन उसके बाद में ये बहुत प्यारा सा ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का है, कुछ वीडियोस में मैंने पहना है। एंड देन उसके बाद में बारी आती है मेरी आर्टिफिशियल जो नेकलेस है, जो मतलब मैं यूजुअली वेस्टर्न वेयर्स के ऊपर पहनती हूँ उनकी, तो ये मैं कभी कभी पहनती हूँ, कभी नहीं पहनती हूँ, तो ये कुछ आई डोंट नो आप समझ पा रहे नहीं, बट ये कुछ चैन्स टाइप की है, ये जो है ब्लू स्पिरिट की है आई थिंक, या स्वारोस्की की, आई डोंट नो, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दी थी। और ये जो ब्रेसलेट है ये भी मेरे हस्बैंड ने ही गिफ्ट दिया था, एंड साथ में जो ये नेक पीस है ये ब्लू स्पिरिट का आई थिंक, बट इसकी चैन जो है ना अनफॉर्चुनेटली काली हो गई, आई डोंट नो वाई, बट आई रियली लाइक इट बिकॉज इट वॉज गिफ्टेड फॉर बाय माई हस्बैंड ऑन माई फर्स्ट डेट। एंड ये भी बहुत ही प्यारा सा पीस है, पहनने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आते हैं मेरे कुछ ब्रेसलेट्स, जो कि मैं वेस्टर्न वेयर पे पहनती हूँ यूजुअली, एंड क्योंकि मैं बैंगल्स नहीं पहनती हूँ डेली में, तो आई रियली लाइक टू वेयर दिस ब्रेसलेट, दिस इज ऑल्सो बाय स्वारोस्की, इट्स ऑल्सो गिफ्टेड बाय माई हस्बैंड। एंड देन यहाँ पे कुछ हुप्स हैं जो कि आई रियली लाइक टू वेयर। अच्छा, इनमें से कुछ ज्वेलरी जो है शीन से है, कुछ ज्वेलरी जो है अमेजोन से है, कुछ ज्वेलरी जो है मैंने ऐसे रैंडमली बाय की है, तो आई कांट रियली टेल यू कि कौन सी ज्वेलरी कहाँ की है। दिस वॉच इज़ बाय बॉर्डलेटो, एंड दिस अगेन, मतलब जो भी महंगी ज्वेलरी है ना वो सब मेरी हस्बैंड ने गिफ्ट करी, एंड वो भी सब शादी से पहले की गिफ्ट की हुई है, अभी की नहीं है, तो मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ये इयररिंग्स भी अगेन स्वारोस्की की हैं, जो कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नेक पीस दिखाया था उसके साथ में आए थे। एंड देन दिस इयररिंग्स आर बाय ओवीएस, जो कि मैंने लास्ट अभी थोड़े दिन पहले ही बाय किए थे, एंड आई रियली लाइक दैम बिकॉज मुझे जो है सिंपल ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगती हैं पहनने के, मतलब बाहर वेस्टर्न ईयर के पहनने के ऊपर। एंड देन आई हैव सम ब्रेसलेट्स हेयर, एंड दे आर ऑल्सो फ्रॉम शीन आई गेस, एंड दिस इयररिंग्स आर ऑल्सो फ्रॉम शीन, जो कि मैंने कभी नहीं पहना अभी तक, एंड आई रियली लाइक दीज ज्वेलरीज। एंड ये तो मेरी फेवरेट हूप इयरिंग्स हैं, आई रियली लव दैम, दे आर फ्रॉम शीन, एंड ये जो इयरिंग्स हैं ये कोई शीन से हैं, सब अलग अलग वेबसाइट्स हैं। तो दैट्स इट फॉर माई वेस्टर्न कलेक्शन, एंड इसी के साथ में ख़त्म होता है मेरा पूरा ज्वेलरी कलेक्शन। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 टेल मी द कॉमेंट्स बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी इफ यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।